Good evening, everyone. Thank a lot for this opportunity that we all could come together. It's a song by Shelly Mangera, which goes well with the theme that the meeting has been carrying forward. Pray God bless you with this song. प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता। चांद सितारे गाते हैं तेरी तराने, लेकिन तेरे प्रेम की उन्हें समझ नहीं। धरती पर तेरे प्यारे हम अपने हाथ उठाते और मिलकर गाए तेरे प्रेम के गीत। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं करूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, जब दुनिया छोड़ दे मुझको तो तेरे पास आऊंगा। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता, प्यार तो अंधा है कुछ देख नहीं सकता, प्यार तो बहरा है कुछ सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता। Over to you guys. Thanks, Stefan, for that. So I request Jim and Joyce to take over. और सभी के लिए जो प्रश्न का जो लिस्ट हमने बनाया था वो पूरा ये चैट बॉक्स पर डालेंगे हम। And I request you both to take Sabu's help if you need help with the Hindi translation. He is available. Okay, so please take over. Thank you.
Thank you. Somebody is helping us with the PPT. I think it's Sophia. Sophia can help us out. It's good to be back. Hopefully, it's good for you guys also that we are back. Okay, so when PPT is like getting ready, सबसे पहले मैं फिर पिछला बार जैसे स्टार्ट किया वैसा स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम इस प्योरिटी और ये प्री मैरिटल रिलेशनशिप का टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमारा डेफिनेटली एक बोझ है, एक बर्डन है, हमारा एक कंसर्न है जवानों को इस बारे में डिस्कस करने का, क्योंकि अपना चर्चेस में वी डोंट गेट टू हियर सो मच अबाउट प्योरिटी एंड प्री मैरिटल रिलेशनशिप। इस चर्च का प्रचार में या ऐसा चर्च का नॉर्मल प्रीचिंग में हम लोग ये प्योरिटी या रिलेशनशिप या सेक्सुअलिटी के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है चर्च में, और बहुत सारा जो जानकारी जो जवानों के पास जो जानकारी है वो जानकारी एक्चुअली दोस्तों से आता है। द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट सेक्सुअल प्योरिटी और अबाउट रिलेशनशिप बेसिकली कम्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमारा दोस्तों से आता है या इंटरनेट से आता है, लेकिन चर्च की तरफ से या बाइबल की तरफ से इसका शिक्षा कम है, इसलिए हमारा डेफिनेटली एक बर्डन है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। ये विल डू ए क्विक रिकैप, पिछला हफ्ता हमने जो किया वो क्विक रिकैप करेंगे, क्योंकि आज कोई नया भी ज्वाइन किया, इसलिए जस्ट डू ए क्विक रिकैप। सी दिस वन मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो पिछला बार हम बिब्लिकल फाउंडेशन से स्टार्ट किया, हम क्यों पवित्र बनना है या हम क्यों प्योर होना है, क्योंकि हम पहला पत्रस 1:15-16 में देखने से जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो परमेश्वर पवित्र है, और पहला पत्रस 15 में ऐसा लिखता है कि जैसे वो पवित्र है हम भी पवित्र बनना चाहिए, और बाइबल में ऐसा लिखा है बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो होलीनेस है, द कैरेक्टर ऑफ होलीनेस और कैरेक्टर ऑफ प्यूरिटी है, हमारा परमेश्वर का इटर्नल कैरेक्टर है, वो परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, इसीलिए हम पवित्र नहीं है लेकिन हम पवित्र बनने के लिए रोज हम कोशिश करता है बिकॉज वो हमारा परमेश्वर का एक इटर्नल कैरेक्टर है। और मैंने पिछला हफ्ता ये भी बताया है कि जो पवित्र बनने के लिए या प्योर बनने के लिए जो स्टैंडर्ड है, हमारा पिता परमेश्वर ने वो स्टैंडर्ड उसने बनाया, और ऐसा स्टैंडर्ड बना के उसने नहीं छोड़ा, उसने उसको भी निभाया या उसको भी दिखाया कैसा पवित्र बनना है, वो भी दिखाया, वो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं कि वो प्योर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्योर है, वो स्पॉटलेस है, वो राइचियस है, he is perfect, so that's what we see about our Lord Jesus Christ, and standard pita parmeshwar ne banaya, prabhu yesu masih ne nibhaya, aur pavitra atma hame bhi madad karta hai, the holy spirit enables us to be holy, aisa hai na ki parmeshwar ne aisa standard banaya aur usne hamare liye ek asambhav jis ne banaya वो संभव होने के लिए बनाया है, इसलिए वो हमें दिखाया कैसे पवित्र बनना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें मदद करता है। वन ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन अ बिलीवर्स लाइफ इज टू सैंक्टिफाई द बिलीवर्स, पवित्र आत्मा हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें पवित्र बनाता है। ओके, सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मैंने भी बताया कि प्योरिटी जो है एक हार्वेस्ट है, सफल फसल ओके सॉरी एक फसल है, सो हार्वेस्ट यू डोंट जस्ट हार्वेस्ट लाइक दैट, बिफोर यू हार्वेस्ट यू विल हैव टू वर्क, वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ फार्मर, एक फार्मर का खेत में जो काम करता है उसका लाइफ से हम ये पता चलता है कि वो हार्वेस्ट ऐसा नहीं मिलता है, वो हार्वेस्ट से पहले उसको जंगल को साफ करना पड़ता है, उसको खेती को खोदना पड़ता है, उसमें पत्थर है कुछ है उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद वी हैव टू प्लांट द सीड,
And then when the plant grows, then we have to nurture it. We have to take care of it. कुछ जंगली पत्ते निकलने से उसको निकाल के फेंकना है ना, then only then उसके बाद harvest होता है. इसलिए purity जो है, अगर आप और मेरे को पवित्र बनना है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा. उस मेहनत जो है दूसरा तिमोती उसका 2:22 में लिखा है, दो चीज करने के लिए, दो एक्शंस, दो चीज बताया है. एक तो रन अवे, आपको भाग के जाना है, भाग के दूर चला जाना है. दूसरा है आपको उस किसी चीज के पीछे भागना है. तो दोनों चीज एक्चुअली भागने के बाद है. एक तो भागना है दूर से, वन इज टू फ्ली. फ्ली मीन्स टू रन अवे, टू रन अवे फ्रॉम द इविल डिजायर्स ऑफ यूथफुल लस्ट. ओके, सो दूसरा ए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में एक्चुअली अच्छा से लिखा है, रन फ्रॉम एनीथिंग दैट स्टिम्युलेट्स यूथफुल लस्ट. तो जवानी का जोश को उकसाता है, उससे भाग के दूर भागना है. सो दैट्स द थिंग अबाउट रन अवे. एंड दूसरा है, यू हैव टू रन आफ्टर, यू हैव टू परस्यू. You will have to go after righteousness. You will have to go after faith and after love and peace along with others, who along with other believers. We have to do that. And to pursue righteousness, faith, love, and peace, we don't do it on our own, but the Holy Spirit is there. So if we read Galatians 5:22 or 23 में देखने से fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit हम हमारा जीवन में देखता है. When we surrender our lives to the Holy Spirit, when we allow the Holy Spirit to control our lives and we live according to the guidance of the Holy Spirit, we see of the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness. Panch Galatians 22 mein likha hai. Okay, can we go to next slide, please? Just want to do a quick recap. So I just okay, Joyce will take over. Okay, ye wo do कोट हैं जो हमने बोले थे, जो हम याद रख सकते हैं. शायद अगर आप लोगों ने पिछले हफ्ते मिस कर दिया था, तो बेसिकली ये है कि मसीही बनना सिर्फ वो नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है हम उसका पालन करें, लेकिन बाइबल किस प्रकार से सोचती है हम वो उस प्रकार की सोच को अपने में बढ़ाएं, उसकी तरफ हम आगे बढ़े. सो बीइंग अ क्रिश्चियन इज नॉट जस्ट डूइंग व्हाट द बाइबल सेज बट थिंकिंग लाइक द बाइबल थिंक्स. कैथरीन, कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज. थैंक्स. ओके, ये दूसरा कोट है जिसको ट्रांसलेट करते करते अनीश ने कहा साबू को ऑलमोस्ट दिल का दौरा हो गया था. एनीवे, सो इट इज व्हाट इज म्योरली परमिसिबल इज नॉट द गोल फॉर क्रिश्चियन बिहेवियर. क्या चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं उस बातों को समझ जाऊं, सिर्फ वो नहीं है मसीही बिहेवियर ना, मसीही चाल चलन. लेकिन हमारा गोल या हमारा लक्ष्य ये है कि क्या बातें मेरी भलाई के लिए हैं, क्या बातें मुझे बढ़ाती हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं कलीसिया को या बाकी मसीही लोगों को भी, क्या बातें हैं जो उनकी भलाई के लिए हैं, हमारी भलाई के लिए हैं, हमें बढ़ाती हैं. लिटरली मतलब इसका क्या मतलब है, वो ये कि किन चीजों से मसीही दिमाग, मसीही सोच और मसीही प्रेम, अनुग्रह, पवित्रता में हम कैसे बढ़ सकते हैं, उन चीजों के बारे में सोचना. दैट इज सपोज टू बी द गोल ऑफ क्रिश्चियन बिहेवियर. उन चीजों पे हमें हमारी आंख लगानी जरूरी है. कैथरीन, द नेक्स्ट वन प्लीज. थैंक्स. ये काफी एक अच्छा, मेरे को मैंने बहुत साल पहले ये कोट पढ़ा था. एंड फॉर एनीबडी हु इज अ रीडर, दिस इज अ ग्रेट राइटर. एलिजाबेथ एलियट करके एक मिशनरी की वाइफ थी ये, और इनकी लेख बहुत अच्छी हैं. अगर कोई पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज इनकी किताबों को पढ़िएगा. एनीवे, दिस इज व्हाट शी सेज, इफ योर गोल इज प्योरिटी ऑफ हार्ट, बी प्रिपेयर्ड टू बी थॉट वेरी ऑड. अगर दिल में पवित्रता आपका लक्ष्य है, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें कि लोग आपको बहुत ही अजीब समझेंगे, आपको काफी अजीब समझेंगे. ओके, ऑल राइट, कैच इन द नेक्स्ट वन प्लीज. Okay, so now we're launching into the questions.
जो हमने क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उन पे हम जा रहे हैं, और हमने बेसिकली ये किया है कि इंस्टेड ऑफ एक एक करके सवाल को लेकर जवाब देने की जगह, ऑफकोर्स लास्ट गए हफ्ते हमने ऑलरेडी कुछ सवाल के जवाब दिए थे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ईच क्वेश्चन वन बाय वन, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर, हमने उनको इकट्ठे कर दिया है, और बेसिकली आइडियाज, क्योंकि ओवरलैपिंग आइडियाज थे काफी सवालों में, तो वी आर गोइंग टू जस्ट लुक एट दोज आइडियाज, वी आर गोइंग टू एड्रेस दोज आइडियाज, एंड कैथरीन और समबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प अस अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीज जो पूछी गई थी और अगर हम वो भूल गए हैं या वो हमने एड्रेस नहीं करा है. ओके, सो टू डेट और नॉट टू डेट, लड़के के साथ या लड़की के साथ, आई थिंक डेटिंग तो सब समझ जाते हैं शायद आजकल, बट बेसिकली उनके साथ अकेला समय बिताएं या ना बिताएं, इट्स अ ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ, एक बहुत ही बड़ा विषय है ये अपने में, और डेटिंग क्या मतलब किस चीज को हम डेटिंग मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, एंड वी विश वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट, बट वी डोंट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी सेड, which is so the question of why is it wrong or right, ki ye sahi ya galat kyun hai, to humne is cheez ke bare mein kuch baat ye boli thi, pehli baat ye bol hum bolna chahte hain ki jim aur main kyunki hum jawanon ke sath kaam karte hain, hum apne shabdon ko thoda naap tol ke lene ki koshish karte hain, we try to be a little measured with our words because we don't want to put people off. At the same time, we definitely do not want to compromise on what godly standards are as we've understood it. तो हम नाप तोल के बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोगों को भगाना नहीं चाहते हैं हमसे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से जो हमने principles सीखे हैं, सिद्धांत सीखे हैं, उनके ऊपर हम compromise भी नहीं करना चाहते. तो हमने ये बिल्कुल outrightly ये चीज नहीं कही कि dating गलत है. लेकिन जब हम लोग एक चर्च के सेटिंग में रहते हैं, ज्यादातर जवानों के दिमाग में वो ऑलरेडी एक सेट होता है कि ये लोग तो यही कहेंगे कि ये सब गलत है. दैट्स अ गुड थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट कि क्यों आपको ऐसा लगता है, दैट्स अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट, बट दीज आर द थिंग्स दैट वी सेड, ये चीजें हमने कही थी, वो ये है कि परमेश्वर के वचन से और मसीही जिंदगी से हमने ये बात सीखी है कि रिश्ते लड़के और लड़की के बीच के जो करीबी के जो रिश्ते होते हैं उनमें शादी की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. दैट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी सी गॉडली रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन एंड वुमेन बीइंग एस्टैब्लिश्ड. अगर आप शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं और आप चाहते हैं कि आप 30 साल के जब हो जाएंगे तभी शादी करें, तो इट जस्ट इज सेंसिबल, ये सिर्फ बुद्धि और समझदारी की बात है, स्मार्टनेस की बात है कि आप अभी लड़की के पीछे ना जाएं या लड़के के पीछे ना जाएं, राइट? सो मैरिज हैज टू बी समथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज. शादी के बारे में सोचते हुए बिल्कुल आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ बातचीत कर सकते हैं, और आगे जो भी मतलब लाइक यू नो डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट बेसिकली इन कंसल्टेशन विद पीपल ऑफ गॉड, इन कंसल्टेशन विद गॉड हिमसेल्फ, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसिडरिंग मैरिज, यस प्लीज डू थिंक अबाउट इट. बट इफ मैरिज इज नॉट एनीवेयर इन योर माइंड, देन दैट्स इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग एट ऑल टू बी डूइंग, इट्स प्रोबेबली इवन डिसऑनरेबल. इसका मतलब ये भी है कि जिस लड़की के साथ आप हैं या जिस लड़के के साथ आप हैं या जिनकी तरफ आपको आकर्षण का महसूस आकर्षित है, आपको लगता है उनके साथ आप जीवन नहीं बिताना चाहेंगे कभी भी, तो प्लीज अगेन स्मार्ट, पुट एन एंड, इट्स टाइम फॉर एन एंड. लेकिन ये हो सकता है डेफिनेटली कि आप किसी को कंसिडर करेंगे, जैसे कि जिम और मैं, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि जब जिम और मैंने शादी के बारे में सोचना चालू किया था, जिम ने इनफैक्ट इस बात को उठाया था, तो उन्होंने बहुत क्लियरली पहले ही कॉन्वर्जेशन में, पहला जो हमारा टॉक हुआ था इस चीज के बारे में, वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त होते थे, लेकिन पहली बारी जब उन्होंने
एक रोमांटिक रिलेशनशिप की के बारे में जब बात करी, उस फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में उन्होंने ये बात बोली थी कि शादी के बारे में आप क्या मेरे से, मेरे साथ शादी के बारे में के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं और इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं क्या. एंड समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट व्हाट ही सेड वाज दैट ही सेड अगर मतलब जब हम, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, हम कंसिडर तो कर सकते हैं इस चीज को, कंसिडर ही तो करना है, सोचना ही तो है, चलिए बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन उसकी गंभीर, हाँ उसकी गंभीरता मेरे को मतलब अभी 12 साल में मतलब एहसास हो रहा है कि कितनी गंभीर बात थी. खैर उन्होंने ये बात बोली थी कि हो सकता है जॉयस इस समय में जब हम एक दूसरे से शादी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय हम लोग हो सकता है हम शादी ना करें एट द एंड ऑफ इट, मे बी एट द एंड ऑफ इट ऑल वी रियलाइज दैट दैट्स नॉट व्हाट गॉड इज लीडिंग अस टुवर्ड्स. एंड सो देयरफॉर यू नो ही एनकरेज्ड मी दैट we keep ourselves careful, we try and keep it as emotionally detached as possible. तो मतलब emotions को, हमारी जो भावनाएं हैं उनको हम थोड़ा control में रखें और हम careful रहें, all those kinds of things. So basically my point is, मेरा point ये है कि दोनों को, मेरे को और जिम को इस बात का एहसास था और हमने इस बात को बहुत clearly बाहर रखा था कि हम शादी के बारे में सोच जरूर रहे हैं, हम प्रार्थना जरूर कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम शादी ना करें एट द एंड ऑफ इट, क्योंकि हमें हो सकता है बातचीत करने के बाद लगे, प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद लगे कि ये परमेश्वर की राय नहीं है हमारे लिए. इस बात को हम लोग सोच के आगे बढ़े, इसलिए आई थिंक हमारे लिए ये आसान, थोड़ा आसान हो गया था. हमेशा ये याद रखना कि जॉयस अपने दिल को यहाँ पे मत अटकाओ अभी, क्योंकि ये लड़का अभी तुम्हारा नहीं है, जब हो जाएगा तब की देखी जाएगी, लेकिन अभी नहीं है. एंड आई थिंक यू नो मे बी दैट हेल्प्ड यू आल्सो इन सम वेज. सो वी आर सेइंग दैट डेटिंग हैज टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसिडरिंग मैरिज, एंड इट्स पॉसिबल दैट इट मे एंड अप इन मैरिज और इट मे नॉट एंड अप इन मैरिज, बट इट हैज टू डेफिनेटली बी अ पॉसिबिलिटी. नो अगर मुझे बिल्कुल मतलब मुझे एकदम शुरुआत से ही पता था कि यार जिम जैसे लड़के से तो मैंने शादी करनी ही नहीं है कभी भी, तो वो मेरी बेवकूफी होती और मेरे और परमेश्वर के सामने एक प्रकार से डिसऑनरेबल होता इफ आई हैड गॉन अहेड. या यू वांटेड टू से समथिंग? ओके, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. आई हैव 5 सिस्टर्स, मेरा 5 बहन है, 2 बहन का शादी हो गया, 3 बहन अभी भी बाकी है, और ये मैं मेरा बहनों को भी ये बताया है कि देखो लड़का लोग जो है मस्ती करने के लिए, जो लड़की ऐसा मतलब आसान से पट पट पटा सकता है उनके साथ मस्ती कर सकते हैं, लेकिन वैसा लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं करेगा. सो सी द इंटेंशन ऑफ द मैन इज बेसिकली चलो मस्ती करो, एंड आफ्टर सम पॉइंट जब आपको बोर हो जाता है ठीक है छोड़ दो एंड दूसरा लड़की पकड़ो. आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इधर बहुत मैं ऑनेस्ट करने के लिए आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट डेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज. अगर शादी के बारे में सोच रहा है तो आप डेट कर सकते हैं, या आप शादी के बारे में अगर नहीं सोच रहा है तो जो डेटिंग करता है वो मतलब फ्लर्ट करने लग जाता है, मस्ती करने लग जाता है, और उसमें से बहुत लॉट ऑफ इश्यूज कम अप. ओके, सो जस्ट वांट टू वार्न लाइक स्पेशली द गर्ल्स हियर, अपना बहन लोग जो है इस ग्रुप में, अभी जो इस ग्रुप में है, बी केयरफुल, बिकॉज यू नो आई एज अ मैन आई वुड नॉट वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज फ्लर्टिंग विद ऑल अदर्स. I want to marry a girl who is pure and who is holy and who fears the Lord. So, वैसा लड़की से शादी करना है, मस्ती करना है तो कर, मैंने किया है लड़की लोग के साथ मस्ती किया है, उस लड़की के साथ मस्ती करके छोड़ दिया, और जिस लड़की प्रभु को प्रेम करता है उनसे शादी किया है. मैं क्यों फ्लर्ट किया, और प्रभु में आने से पहले बहुत लड़की लोग के साथ फ्लर्ट किया है, लेकिन प्रभु में आने से पहले पता चला कि मैं ऐसा लड़की के साथ ही शादी के बारे में, जिसके बारे में सोच सकता है उसके साथ ही आई कैन टॉक एंड आई कैन
yeah, have the conversation. ओके सो जैसे जिम ने कहा और हमने पहले पिछले हफ्ते भी इस बात के ऊपर जोर दिया था वो ये है कि हम लोग जवान लोगों के साथ समय बिताते हैं, सिर्फ जवानों के साथ नहीं और लोगों के साथ भी समय बिताते हैं. और हमने ये देखा है कि अक्सर दिल का जो टूटना होता है और जीवन का बिखर जाना बहुत बारी इज रिलेटेड टू रिश्ते. लाइक किसी के साथ मैंने प्यार किया, वो छोड़ के चला गया, या उस प्यार के रिश्ते में कुछ हो गया, those kinds of things. So we've seen that a lot of mess is usually, a lot of personal mess is usually around the whole thing about love relationships. And so therefore also we think that it's something to be very careful about. Now, okay. Sorry, we just got a chat. Sharon, is that something that you're saying to us? No, accidentally I sent it to everyone in the group. I'm so sorry. Please continue. Okay, no problem. No problem. Okay. So basically it is not something dating, jo ki hamare culture mein bahut hi ek hum log Bombay mein hain. Bombay mein particularly, I think it's a very, very easygoing, casual thing that you get into. Lekin, iske vipreet, actually, any kind of relationship is very intense. You know, any kind of relationship requires your emotions, it requires your mind, aapke bhavnaon ko, aapke vicharon ko, pura, matlab, like, you know, samet leta hai aur kheench leta hai ek tarike se. To itna prabhavshali hai in a sense, that it's something to be very careful about. So it's definitely not something to get into casually. Ye masti mein haan kar lenge, ladki dekh lenge, fir dekhi jayegi, ya ladka dekh lenge, fir dekhi jayegi. Wo to definitely karne wali baat nahi hai. Okay, the third thing that we saw is also a very important thing, which is that singleness. Yeah. Sabu, is there a word for singleness that you know immediately? Ekanta just sounds lonely. Kuwarapan, sister. Sorry. Oh yeah, that's right. Thank you, Sabu. Okay, kuwarapan ya kuwari rehna, that is a gift. Wo ek bhent hai jo ki Parmeshwar ne sabko di hai for at least a period of time, and the Lord wants us to use it, to invest it. Parmeshwar chahte hain ki hum us cheez ko istemal kare, us cheez ko invest kare. And परमेश्वर की महिमा के लिए उस बात को करें. So please do use your singleness. Richard ने हमें पिछले हफ्ते याद दिलाया था जो पैसेज के बारे में मैं बात कर रही थी, वो पहला कुरुंतियों उसका सातवां अध्याय उसके लैटर हाफ में है, नीचे के भाग में है उसमें, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, पॉलस कहता है इस बात को कि मतलब जो कुंवारे हैं वो वैसे ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उनका ध्यान तो परमेश्वर के लिए होता है, जबकि जो शादीशुदा हैं हमारे जैसे लोग उनका ध्यान बटा हुआ है इन अ सेंस, यू नो. सो द लॉर्ड डिजायर्स फॉर अस टू इन्वेस्ट आवर सिंगलनेस व्हिच ईच वन ऑफ अस हैज फॉर एट लीस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम. मे बी यू हैव इट फॉर योर लाइफ टाइम, बट मे बी यू हैव इट एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ही डिजायर्स इट टू बी इन्वेस्टेड. एंड सो ओके so we've kind of gone over most of these things. What is it attraction or love? Ye thoda difficult sawal hai, lekin Suits, do you want to say something about it? Yeah, so dekho, I think attraction is a natural thing, but then expressing your attraction, it has to be controlled. We need to have self-control. See, I'll just tell you an example. I'm a married man. अभी हमारा शादी होके अभी इस साल हम 12 साल होने वाला है शादी करके. अभी भी मेरे को कोई अच्छा लड़की देखता है तो अट्रैक्शन होता है. लेकिन मैं हर जगह जाके जिस लड़की को देखेगा अच्छा लगता है तो I can't just go and say okay, oh you are beautiful or you are good in this and that. No, I can't do that. I have to control myself. I need to have self control. So I think attraction is a natural thing. So even a married man like me get attracted to a beautiful girl, but I need to have the self control. So similarly, jo single hai,
सिंगल लोग के लिए भी आपको अट्रैक्शन, किसी को अट्रैक्शन होना वो आई थिंक इट्स अ नेचुरल थिंग, उसमें गलत नहीं है, लेकिन उसको आप इमीडिएटली एक्सप्रेस करना आई थिंक दैट्स नॉट राइट, बिकॉज अट्रैक्शन जो है वो मोमेंट्री रहता है, कुछ समय के लिए रहता है अट्रैक्शन जो है. जैसे कि आप देखो यूजुअली अट्रैक्शन जो है वो आउटर एक्सटर्नल चीज को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कि मेरे को जो लड़की बहुत अच्छा से गाना गाता है मेरे को एक नेचुरल अट्रैक्शन आ जाता है. सो आई जस्ट हैव दिस अट्रैक्शन टुवर्ड्स गर्ल्स हु कैन सिंग वेरी वेल. सो बट देन व्हाट दैट इज जस्ट अ मोमेंट्री थिंग, इट डज नॉट कंटिन्यू लाइक दैट. एंड एंड देन अट्रैक्शन कैन मेनली हैपन लॉट ऑफ द टाइम विद लुक्स. चेहरा देख के हम लोगों को अट्रैक्ट हो जाते हैं, या लोगों का क्वालिटी या लोगों का टैलेंट्स गिफ्ट देके हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो मोमेंट्री रहता है. बट लव इज इटर्नल, लव इज अ कमिटमेंट, लव अगेन इज लाइक होलीनेस, जो परमेश्वर का इटर्नल क्वालिटी है, पवित्र जो है वो परमेश्वर का इटर्नल कैरेक्टर है, वैसा प्रेम भी इटर्नल है. सो प्रेम इज अ कमिटमेंट. प्रेम ऐसा चीज है कि आप किसी को मतलब इवन व्हेदर यू आर, इवन इफ यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू द पर्सन, यू आर टू लव दैट पर्सन. सपोज आई हैव टू कीप लविंग माय वाइफ, इट्स अ कमिटमेंट, आई हैव टू कीप लविंग माय वाइफ. एंड अनदर वे ऑफ लुकिंग इज, देखो परमेश्वर को आपको और मेरे को प्रेम करने का कुछ देयर इज नो व्हाट टू से, नो रीजन फॉर गॉड टू लव अस. हमारा अंदर इतना like we have so much of weaknesses and shortcomings, we keep failing, we keep disobeying, hum parmeshwar ka disobey karte rehte hain, lekin parmeshwar hamara disobedience ke alawa, in spite of our disobedience and unfaithfulness, God continues to love, and that is love, that is a commitment, and that's unconditional love. Okay, so I think the direct question about attraction or love wo ye tha ki क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज के बीच में. तो जैसे कुछ चीजें जिम ने ऑलरेडी कही हैं, जस्ट टू रैप दैट पार्ट अप, मैंने कुछ लिखा हुआ है वो ये है कि आई थिंक यूजुअली अट्रैक्शन या आकर्षण, लाइक द वर्ड सेज, इज समथिंग टू डू विद समथिंग द पर्सन हैज और पोजेसेस ना. तो शायद वो उनकी शक्ल, ओके आई डिडंट से दैट इन हिंदी, बेसिकली आकर्षण ज्यादातर उस व्यक्ति के पास कुछ चीज है या उस व्यक्ति में या लाइक में कुछ चीज है जिनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे जिम ने कहा, किसी चेहरे को देखकर या उनके उनके शरीर को देखकर आप आकर्षित होंगे शायद, या जैसे जिम ने कहा कि, और ये मेरे लिए भी सच है, कि अच्छे आवाज की तरफ आप शायद आकर्षित हो सकते हैं. When that thing goes away, the attraction goes away. जब वो चीज चली जाती है तो वो आकर्षण भी इन अ सेंस चला जाता है. तो हो सकता है किसी के बारे में आपको उनके हाइट को लेकर या उनके तरीकों को लेकर, तौर तरीकों को लेकर या उनके पैसे को लेकर आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं है तो वो चला जाता है. इट्स यूजुअली टेम्प्ररी, मतलब उसका एक टाइम लिमिट होता है ना. प्रेम जैसे कि जिम ने कहा, वो एक कमिटमेंट है. वो मैंने एक साबू, व्हाट्स द वर्ड फॉर कमिटमेंट, वफादारी, एक वफादारी है कि मैंने मैंने एक वाचा बांधी, एक्चुअली इट्स अ वाचा, मैंने एक वाचा बांधी है कि मैं इनकी तरफ कमिटेड रहूंगी. तो फीलिंग जो है, अट्रैक्शन इज अ फीलिंग, यू कांट कमिट टू अ फीलिंग. आप वाचा नहीं बांध सकते हो कि मैं यही, मैं भावनाएं मेरी यही रहेंगी आपकी तरफ. मैं प्रेम के लिए वाचा जरूर बांध सकती हूँ, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि चाहे अच्छे समय हो चाहे बुरे समय हो, मैं आपके साथ रहूंगी. ऑलराइट, इट्स अ गुड थिंग टू टॉक टू समबडी दैट यू ट्रस्ट, जो कि विश्वास में प्रौढ़ है. उनसे बात करके आप रियली टू बी एबल टू फिगर आउट वेदर वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ इज more towards love or it's only attraction. Is flirting okay when somebody is already in a relationship? ये बहुत ही interesting सवाल है. जब भी मैंने जिम से ये पूछा कि आपका क्या इसके ऊपर राय है, जिम सिर्फ हंस रहे थे.
तो अभी भी देखिए जिम अभी भी हंस रहे हैं. फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग में फ्लर्टिंग करना बहुत मजा आता है. जो भी फ्लर्टिंग करते हैं उनको मजा आता है ना. बट इन ये जो सवाल है, मैं उस सवाल को फिर सवाल पूछ के जवाब देना चाहता हूँ. फ्लर्टिंग करने में मजा है, लेकिन जो कोई जो भी फ्लर्ट करता है, आप ये सवाल पूछो, आपका जो पार्टनर है अगर वो किसी के साथ फ्लर्ट करने से आपको अच्छा लगेगा क्या, आपको अच्छा लगे? जो डबल रोल कर रहा है वो I don't think that's okay. You will not be okay with that. Your partner will not be okay with that. Correct. Flirting को हिंदी में छेड़खानी, मैंने देखा कि शब्दकोश में छेड़खानी कहते हैं. And Captain, can you help us with the next slide, please? ये मेरे लिए भी जब मैंने इनफैक्ट ये हिंदी में जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए भी एक ये इंटरेस्टिंग चीज थी कि मैं ध्यान दूं कि मेरी मेरा मजाक छेड़खानी की तरफ तो नहीं जा रहा है. And I think it's a self-centered sort of a thing. सिर्फ अपने आप को आप एक kick देने के लिए करने वाली चीज है, क्योंकि आपका कोई commitment नहीं है उस चीज में और आप जानते हैं कि आपका कोई commitment नहीं है. So no, it's not okay to be flirting when you are committed. ये वो चीज है जो कि मैंने अभी भी बोली, love is a commitment. ये आप तो प्रेम एक वाचा बांध रहे हैं, आप अपने अपने आप से और आपके आगे वाले पर्सन व्यक्ति के साथ आप कह रहे हैं कि मैं ये वाचा बांध रही हूँ कि मैं आपके भलाई के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी. People getting married promise to love each other. जो शादी कर रहे हैं वो वाचा बांधते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे. आप एक भावना को बनाए रखने के बारे में आप कभी भी वाचा नहीं, मतलब आप ये वाचा नहीं बांध सकते हैं कि मैं हमेशा गुस्सा रहूंगी. Because it's a feeling, it's an emotion. You can't commit to an emotion. You can commit to the will. Catherine, the next slide, please. Thank you. Thanks. Okay. Now we're going to talk about getting physical. तो कुछ सवाल ये थे. ये है शारीरिक संबंध, किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध के बारे में कुछ सवाल थे. काफी इंटरेस्टिंग सवाल थे. So what about tight hugs, holding hands, kissing to express love, comfort? It is causing no sexual desires and then masturbation, whichever you want to take first. So ye jo sawal hai, I'm not sure if it's very honest, kyunki bola ki aap kisi ko aap aapka partner ko hug karte hai, uska haath pakadte hai, usko kiss karte hai, aapka prem unko dikhane ke liye, usko express karne ke liye aap karte hai and usko comfort karne ke liye. और बोलता है कि इट इज कॉजिंग नो सेक्सुअल डिजायर्स इन बोथ. आई एम नॉट श्योर इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू से दैट, बिकॉज लड़का और लड़की जब एक दूसरे को हग करता है या एक हाथ पकड़ता है या किस करता है, गॉड हैज डिजाइन इन सच वे, तो हमारा अंदर कुछ जग जाता है, वी गेट एक्साइटेड. Yeah. Catherine, if you can help us with the next slide, that's going to also help you. Yeah, continue. Next slide. Because it says the same thing. Okay. Yeah, okay. Yeah, continue. हमारे अंदर कुछ जग जाता है. Okay. So that's why when you start holding someone, in fact somebody has says like this, पहले आप उनको बोलते हैं कि आप उनको प्रेम करते हैं, उसके बाद आप उनका हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद आप उनको हग करते हैं, उसके बाद आप उनको किस करते हैं और उधर नहीं रोकता है, उसके बाद आप उनको बिस्तर पे लेके जाते हैं. सो इट गोस ऑन एंड ऑन. एंड आई एम टेलिंग यू, सो व्हेन यू आर हकिंग समवन रोमांटिकली, यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर किसिंग समवन, यू आर हकिंग समवन, डेफिनेटली योर सेक्सुअल अर्च विल कम अप. आपके अंदर लड़की या लड़का के साथ सोने के लिए वो इच्छा बिल्कुल जग जाएगा. So that's why I don't think that's something that is allowed, even for people who are considering marriage or people who are even engaged. Jo engaged bhi ho gaya, ye cheez shaadi se pehle nahi karna chahiye, kyunki aapka
जिस लड़की या लड़का के साथ आप कमिटमेंट दिया है, शादी करने के लिए इंगेज भी कर लिया है, आप जब किस करने लगेगा तो आपको अंदर इच्छा हो जाएगा सेक्स करने के लिए. इसीलिए आई थिंक दैट समथिंग दैट वी विल नॉट एडवाइस, डोंट प्ले विथ फायर, आग आग के साथ मत खेलना, बिकॉज वंस यू गेट इन टू दैट आई थिंक यू देयर इज नो टर्निंग पॉइंट. And see, sex is good because sex is designed by God. Marriage is instituted by God. Sex is designed by God. इसलिए आप Genesis chapter 2 verse 24 में पढ़ने से कि बोलता है कि एक आदमी और एक औरत एक flesh बन जाएगा. They will become one flesh. Okay, so it's a when a girl, when a man and a woman in the context of marriage, when they come together, when they have sex, they become one in their body, one in the body. And it's not only coming, it's not merging of the bodies together, but it's more than that. Joyce can tell you about that. All right. जैसे जिम ने कहा, परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि हमारा जो शारीरिक संबंध, मतलब या टच, फिजिकल टच जो है, उससे हम आगे की तरफ ही बढ़े, पीछे की तरफ नहीं बढ़े. यू सी, इन अ फ्रेंडशिप ऑल्सो, if you are basically comfortable enough to be hugging one another, you don't go backwards, you only go forward in the next level of how you want to comfort the person, how you want to express love to the person. Ek dosti mein bhi agar aap itne comfortable hain ek dusre ke sath ki aap ek dusre ko hug karte hain, to uske baad aap piche ki taraf nahi jate hain. Agar aapko अगली बारी आपको दिखाना है कि यार मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ या मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ, तो हम आगे ही बढ़ेंगे, राइट? दैट्स जस्ट हाउ गॉड हैज क्रिएटेड इट. दिस पर्टिकुलर कोट जो हमने डाला हुआ है वो आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें ये लिखा है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ इंटीमेसी फिजिकल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इट्स नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो नॉन फिजिकल. इवन ऑन योर कॉल्स, इवन ऑन योर टेक्स्ट, यू कैन गेट क्वाइट इंटीमेट. आप एक दूसरे से बहुत करीब महसूस कर सकते हैं कॉल पे भी, टेक्स्ट पे भी, या इवन विदाउट फिजिकल इंटीमेसी. लेकिन किसी एक पॉइंट पर आपकी इंजन या आपके आपका इंजन जो है वो गर्म होने लग जाता है फॉर सेक्स, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस तरीके से बनाया है. आपके लिए या मेरे लिए वो अलग होएगा, जिम के लिए शायद वो अलग होएगा, फॉर योर पार्टनर इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग. और हमेशा वो वही रहेगा वो भी नहीं है, राइट? इट कुड इवन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस. हो सकता है कि किसी एक दिन बहुत ही दुखी हैं किसी बात को लेकर एंड वल्नरेबल फील कर रहे हैं, काफी अपने आप को वीक फील कर रहे हैं उस टाइम पे. तो हो सकता है उस पॉइंट पर मुझे मेरा इंजन गर, लाइक यू नो, आई गेट वॉर्म्ड अप. सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द लाइन ऑन दैट, राइट? जो जिम बोल रहे थे कि यौन संबंध का पॉइंट ही क्या है, परमेश्वर ने बनाया है इसीलिए ये बहुत बढ़िया बात है. लेकिन परमेश्वर ने उसको पति पत्नी के रिश्ते के बीच के लिए बनाया है और उसका पॉइंट ये है कि वो मैं अपने आप में से निकल जाऊं. लाइक आई से इट इन इंग्लिश फर्स्ट, सेक्सुअल यूनियन टेक्स ईच स्पाउस आउट ऑफ द सेल्फ फॉर द सेक ऑफ द अदर. दोनों को, पति को और पत्नी को, दोनों को अपने आप में से निकाल कर दूसरे के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है यौन संबंध, परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसको डिजाइन किया है. दैट्स हाउ द लॉर्ड हैज डन इट इन सेक्सुअल सेल्फ गिविंग. अपने आप को यौन संबंध में देने में द हार्ट, द माइंड, द स्पिरिट, मन, दिल और आत्मा ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ कोऑपरेट विद ईच अदर विद द बॉडी. सो वो सिर्फ शरीर का जुड़ना नहीं है, वो सब चीजों का जुड़ना है. एंड देयरफॉर लाइक यू नो आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग स्पेशली हेल्प्ड मी दैट इट इज सपोज्ड टू बी मी बीइंग पुल्ड आउट ऑफ माय सेल्फ फॉर माय स्पाउस. मेरे को मेरे अंदर से खींचकर मेरे मेरे पति के लिए की ओर ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है. एंड सिमिलरली फॉर हिम आल्सो. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर मी अबाउट सेक्स. देयरफॉर स्टे अवे. एलिजाबेथ एलियट का एक कोट है, कीप योर हैंड्स ऑफ, कीप योर क्लोथ्स ऑन एंड स्टे आउट ऑफ द बेड. अपने हाथ को दूर रखें, अपने कपड़ों को ऊपर रखें, मतलब
पहने रखे इट साउंड्स फनी इन हिंदी एंड बिस्तर से बाहर रहे सो या स्टे अवे एंड as I said सेक्स जो है वो अच्छी बात है when it is in the context of husband and wife क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया हस्बैंड और वाइफ को सेक्स करने के लिए वो परमेश्वर ने बनाया है इसीलिए अच्छा है दूसरा चीज हमारा जो शरीर है वो ये शरीर किसी रैंडम बंदा या बंदी को देने के लिए बनाया नहीं है बाइबल में इनफैक्ट बोलते हैं हमारा शरीर जो है परमेश्वर के लिए है वो हमारा ब्रोशर में जो इनवाइट में पहला कोरिंथियन चैप्टर 6:19-20 में लिखा है ना वो आपका शरीर जो है परमेश्वर का आत्मा आपका शरीर में रहता है उसका अगर थोड़ा ऊपर जाके पढ़ने से वर्स 19:20 का ऊपर जाके पढ़ने से वर्स 13 के इफ समबडी हैज अ हिंदी बाइबल कैन यू प्लीज रीड दैट फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 13 एंड 16 आल्सो फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 13 एंड 16 क्या कोई भाई या बहन प्लीज पढ़ देंगे आई विल रीड इट थैंक यू क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं कदापि नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे सो हु कैन यू रीड द वर्स 13 आल्सो 13 या 1:3 ओके वर्स 13 भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है ओके सो ओवर हियर इट सेज दैट द बॉडी इज फॉर गॉड एंड गॉड फॉर द बॉडी हमारा जो बॉडी है हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर हमारा बॉडी के लिए है ना सो यू जस्ट कांट गिव टू एनीबॉडी यू जस्ट कांट गिव अवे योर बॉडी टू एनीबॉडी You and then in fact verse 20 maybe likha hai you were bought with a price aapko ek parmeshwar ne aapko kharida hai aur isliye aapka sharir leke parmeshwar ko honor karo honor god with your body aapka jo sharir hai pehle to aapke sharir ko parmeshwar ne banaya dusra to hum paap mein mara hua tha lekin parmeshwar ne hame kharida पाप से छुटकारा दिया इसलिए हमें खरीदा इसलिए हमारा शरीर को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो यू यूज योर बॉडी टू ऑनर गॉड या ऑलराइट सो वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट कैन वी गो बैक प्लीज आई विल जस्ट रीड दिस कोट बिफोर वी गो बैक कैथरीन सो दूसरा जो कोट है वो यहाँ पे ये लिखा है कि अगेन ये मसीही प्रौढ़ता या मसीह में बढ़ने के बारे में है कि वो इसमें देखी जाती है कि हम इस बात के बारे में चिंता करने लगे कि परमेश्वर को क्या बातें आदर देती हैं सिर्फ ये नहीं कि कितना करके मैं बच सकती हूँ या बच सकता हूँ लेकिन किन बातों में मैं आदर दे सकता हूँ परमेश्वर को या दे सकती हूँ और ना सिर्फ परमेश्वर को लेकिन मेरे मेरे पार्टनर को भी मैं किन बातों में आदर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ सो दैट्स अ गुड थिंग टू कीप इन माइंड कैथरीन नाउ वी कैन गो बैक टू द लास्ट स्लाइड मेरे लिए एक चीज हेल्पफुल ये भी रही है जब मैं सिंगल थी कि जब तक मेरी शादी कैथरीन द प्रीवियस वन द वन बिफोर थैंक यू सो मच हाँ तो जब तक मैं सिंगल थी जब तक मैं कुंवारी थी मेरे लिए ये एक हेल्पफुल बात थी कि जब तक मेरी एक्चुअली में जिम से शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं वो ये बात ध्यान में रखूं कि वो किसी के भी हो सकते हैं he is not mine till he is actually mine you know and that happens only in marriage so that was a good thing for me to keep in mind to also keep away it also helped ki hum dono same city mein nahi the jab hum log shaadi ke bare mein soch rahe the that was a very good thing for us anyway yeah okay ye masturbation ke bare mein sawal aaya hai aur
सबसे पहले जिसने भी यह सवाल पूछा मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग मास्टरबेशन के बारे में बात करने के लिए मन नहीं होता है, क्योंकि यह प्राइवेट चीज है, इसलिए लोगों को शर्म आते है इसके बारे में बात करने के लिए, इवन टू टॉक विद अपना मेंटर जो हमें आत्मिक जीवन में मदद कर रहा है, उनसे भी यह मास्टरबेशन के बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए जिसने भी यह पूछा बहुत धन्यवाद। और इट्स ए इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मास्टरबेशन के बारे में आप आपका दोस्तों को पूछेंगे या इंटरनेट में पढ़ेंगे या इवन मेडिकल, इफ यू लुक फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव, बोलेगा ये गलत नहीं है, मास्टरबेशन गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, इवन मेडिकली दे से इट्स ओके, इट डजंट हार्म यू, यू गो अहेड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इट फ्रॉम द बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। मास्टरबेशन एक्चुअली क्या है, हिंदी में मैं जानने के लिए कर रहा था, somebody call masturbation, हिंदी में ऐसा बोलते हैं हस्त मैथुन, हस्त मैथुन ऐसा बोलते हैं, दूसरा तो मस्त नहीं है, मस्त नहीं है, हस्त है, सॉरी हस्त मैथुन है, ओके, एंड अपने आप को उकसाना, शारीरिक तौर पे उकसाना या उत्तेजन, उत्तेजन देना, that is masturbation, हिंदी में उसका meaning is that, so masturbation जो है वो somebody has called it as self-centered sex, sex ऐसा जो चीज है अपने आप के साथ ही कर रहा है वो masturbation है, आप अपने आप के साथ सेक्स कर रहा है वो मास्टरबेशन है, या इन अदर वर्ड दे से इट्स अ सेल्फ सेक्स, आप यू आर हैविंग सेक्स बाय योरसेल्फ, सो इफ यू लुक एट द डिजाइन ऑफ सेक्स व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24, मैन एंड वुमन विल बिकम वन फ्लेश, सो इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ कमिंग टुगेदर, and so that's why sex outside marriage, any kind of sex outside marriage is wrong. If you read in Leviticus, there are so many ways that people can sin sexually. ek to koi koi janwar ke sath bhi sex karta hai wo galat hai, koi koi apna parivar log ke sath bhi sex karta hai wo galat hai, koi koi same sex apna jo aadmi aadmi ke sath sex karta hai, औरत के साथ सेक्स करता है वो गलत है, या अपने आप की खुद सेक्स करता है वो भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने सेक्स ऐसा डिजाइन किया कि वो एक आदमी और एक औरत जो पति और पत्नी एक होने के लिए वो परमेश्वर ने बनाया है, दैट्स व्हाई मस्टर्बेशन बाइबल में पार्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मस्टर्बेशन हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजाइन, परमेश्वर ने कैसा सेक्स को डिजाइन किया है उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू में जो सर्मन ऑन द माउंट में बोला है ना कि लस्ट जब आप किसी औरत के साथ या एक औरत एक मैन के साथ, इवन इफ यू आर नॉट हैविंग फिजिकली इनटू अ रिलेशनशिप, इफ यू आपका सोच में आप ऑलरेडी किसी औरत के साथ या कोई मर्द के साथ ऑलरेडी सेक्सुअली सोचने लग गया है, वो अडल्ट्री है करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो ये जो मास्टरबेशन है, जो अपने आप को अपने शरीर में उकसाना जो देता है, वो आप अपने आप में कर रहा है, एंड देन व्हाट हैपन इज दैट आप कैसा अपने आप, हाउ डू यू मास्टरबेट, इट्स बेसिकली यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग थिंग, कुछ आपका सोच में किसी के बारे में सोच के आप ये मास्टरबेशन, यू डू मास्टरबेशन, यूजुअली यू डू मास्टरबेशन दैट वे, सो दैट इज लस्ट, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है ये बहुत ये गलत है, इनफैक्ट आई फील दिस इज अ रेडिकल, वन ऑफ द रेडिकल टीचिंग दैट जीसस क्राइस्ट हैज गिवन, वेरी डिफिकल्ट टीचिंग दैट जीसस क्राइस्ट हैज गिवन, बट दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज टोल्ड अस, एंड सो And for some people, they say that जब मस्टर्बेट करते हैं वो किसी औरत के बारे में नहीं सोचता है या किसी मर्द के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने आप ही करता है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता है,
For those people, please look at, as I said, Genesis 2:24. The God design of sex. It is meant to be done with husband and wife having sex together. That's what God has designed. So having sex alone, self-centered sex or self-sex, is something that the Bible does not encourage. That's right. Practically, ek aur cheez ye hai ki aapka patience reduce ho jata hai to for within marriage to have sex, to look out for the interest of the other. Ki aap apne partner ko, apne pati ko ya patni ko bhi ke baare mein sochna chahte hain. उनको भी आप प्लेजर देना चाहते हैं, वो आपका पेशेंस एकदम रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट यू कैन एक्चुअली स्टिमुलेट योरसेल्फ एंड बी डन विद इट, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने आप को उकसा के आप आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट्स अनदर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर मैस्टरबेशन. बट द थिंग दैट जिम सेड अबाउट डिजाइन, कि परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया है, दैट रियली हेल्प्ड माई अंडरस्टैंडिंग पर्सनली ऑल्सो. मेरे को वो बहुत help kiya tha. Catherine, we can go on to the next one. Ye last hamara section hai. And we are going to just go over it very, very quickly, hopefully. Thanks, Ray. Okay, to ye tha compatibility ke liye anukoolta ka shabd istamal kiya tha. Dusra humne ye dekha, maine shabdkosh mein dhoonda tha, wo tha ki sanyojan ya मेरी इनके साथ बनती है कि नहीं बनती है, क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, इन चीजों के बारे में जो हम बात करते हैं. तो एक सवाल था कि उम्र अगर लड़का लड़की से छोटा है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है. मेरे हमारे, I think for you also, हमारे लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग में उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है. फर्क ये जरूर पड़ता है कि वो प्रॉड कितने हैं, उनकी समझ क्या है. और जैसे अक्सर कहा जाता है कि लड़की ज्यादा प्रॉड हो जाती है कम उम्र में हो जाती है. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी, वो सबके लिए जरूरी नहीं है. आई विल से दैट्स ट्रू फॉर अस, ऑफ कोर्स. नो, बेसिकली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है, आगे वाले की अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है, उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर. And I don't think age particularly has something to do with it, with whether your relationship is going to be successful or not. However, मैं ये जानती हूँ कि कुछ लड़कियों को अपने से छोटे लड़के के साथ रह के काफी भाई वाली फीलिंग आती है. वो काफी बारी मेरे को like, you know, different girls have told me that. And so that's not really good for a marriage relationship. So, I mean, you've got to see what works for you in a sense, actually. The next is there was a question about unstable work, ki rukna chahiye ki kya karna chahiye. I think uske liye bhi mera ye, do you want to add something? You please come ahead and add. Ek baat ye hum kehna cha rahe hain ki depend karta hai ki wo unke kaam mein wo जो करना चाहते हैं वो नहीं करके बस ऐसे ही कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी की भावना नहीं है. इफ इट्स आउट ऑफ अ सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट रियलाइजिंग दैट वन हैज टू यूज देयर टैलेंट्स, वन हैज टू यूज देयर कैपेसिटीज इन अ वे दैट ऑनर्स गॉड, कि हमको अपने अपने टैलेंट को, अपनी कैपेसिटी को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर की महिमा हो, वो बात ना समझ कर रहे हैं कोई भी काम, तो फिर आई थिंक दैट समथिंग टू रियली थिंक अबाउट. लेकिन अगर वो इस कारण से है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या यू नो डिफरेंट अदर रीजंस टू इट, देन आई थिंक कि ये भी सोचने की जरूरत है कि शादी से पहले शायद वो नहीं कर पा रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज जो उनको करने की इच्छा है. ऐसा तो शादी के बाद भी हो सकता है कि जो वो कर रहे थे वो उनके हाथ से निकल जाएगा वो काम. इनफैक्ट आजकल के टाइम पे तो हम लोग बहुत ही देख रहे हैं कि जिनके पास काम था उनके पास अब काम नहीं है. सो देन those are things that can change. So you've got to probably think about what are the more important things in life, you know. Kya wo parmeshwar ko jante hain, kya wo aur aap, and this is like, you know, generally I want to say this about relationships. It is so important to look for somebody who knows the Lord and loves the Lord. Wo agle sawal ke liye bhi ye jawab hai. In fact, parmeshwar ne ye nahi parmeshwar ke vachan mein ye baat nahi hai ki आप अपने ही कल्चर के किसी के साथ शादी करें या आप अपने ही एरिया से जो है उनसे शादी करें. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है. परमेश्वर का वचन हाउएवर
ये बात जरूर सिखाता है. द लॉर्ड्स वर्ड डेफिनेटली टीचर्स दैट वी ऑट टू लिव आर लाइफ, शेयर आर लाइफ विद समबडी हु नोज हिम, कि हम अपनी जिंदगी को उनके साथ बिताएं जो उनको जानते हैं, और साथ में परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर का आदर देने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए साथ में आगे बढ़े. दैट्स द पॉइंट ऑफ मैरिज यू सी, एंड सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या वो आप कर पा रहे हैं, आप और आपके पार्टनर जिनको आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट. क्या आप एक दूसरे को पवित्रता की ओर बढ़ा पा रहे हैं, वो सोचना एक इंपॉर्टेंट चीज है. मे बी इन अ सेंस संयोजता के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है that I really like music, Jim really likes music, and together we are able to enjoy music. हम दोनों को संगीत बहुत पसंद है और हम दोनों इकट्ठे उस चीज को enjoy कर सकते हैं. That has helped us. It's not the foundational thing. वो मतलब अगर नहीं होता तो हमारी शादी नहीं बनती और हमारी शादी में कोई खुशी नहीं होती, वो बिल्कुल भी सच नहीं है. But it has definitely helped our relationship. हमारे रिश्ते को उसने help जरूर किया. Both of us really enjoy traveling. हम दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, हम दोनों को अलग अलग खाना खाना बहुत पसंद है. काफी ये सारी चीजें हमें एक्चुअली पता भी नहीं थी शादी के बाद, पहले हमें बाद में ही पता लगी है शायद, यू नो वी डिडंट नो दैट वी लाइक्ड फूड एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन दोस कॉमन थिंग्स हैव रियली हेल्प्ड अस. व्हाट वी डिड नो, हमें इस बात का जरूर एहसास था शादी से पहले, और इस चीज को हमने बहुत टटोल कर जांचने की कोशिश करी थी कि क्या ये परमेश्वर को जानते हैं, क्या मैं परमेश्वर को जानती हूँ, क्या मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर है, और परमेश्वर और सॉरी जिम के लिए क्या परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, उनसे बढ़ों के साथ उनका कैसा चाल चलन है, पैसे के बारे में उनका उनका क्या भाव, मतलब व्हाट आर हिज थॉट्स अबाउट मनी एंड हाउ ही हैंडल्स मनी. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस, लाइक जिम ऑल्सो सेड. सो आई थिंक दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. डायरेक्ट आंसर, अनस्टेबल वर्क शुड बी वेट. I think it has to please check whether it's a habit of a responsibility or it just happens to be something in passing. Narrow controlled mindset kya kare is cheez ke bare mein. Mera ye wo hai ki, again, like I've already answered that question to some extent. Maine us sawal ka already answer kiya hai. कि क्या परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने ही लोगों के बीच में शादी करें. परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली ये कहता है कि परमेश्वर में, यीशु मसीह में और उनके अनुग्रह से जो बचाए गए हैं उनमें यहूदी नहीं है, यूनानी नहीं है, there is no Jew, no Gentile in that. We are one body. हम एक एक शरीर हैं. So that's the community that God has. God has placed out so that. And then I do want to say this again, please do look at some of the other things that I have said. Consider kariyega un baaton ko. Bahut hi acha rahega agar aap masih mein jo thode aap se bade hain, jinko aap jante hain, mature hain, proud hain, prarthna mein aapke saath denge, apne tak baat rakhenge. That's an important thing ki sabse jaake nahi baat karenge, prayer point nahi share karenge church mein aapke jeevan ke bare mein. आप ऐसे किसी के साथ जाके बात करें लगातार, क्योंकि इन चीजों के बारे में, लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस इन अ लॉन्ग टर्म. यू नो वन सेशन टू आवर्स इज नॉट गोना हेल्प एंटायरली, सो इट्स अ गुड थिंग टू टॉक दिस थिंग थ्रू. हाउएवर, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने काफी डिटेल में कहा था कि मेरे को कंट्रोल करने वाले लोग, मतलब दैट्स द माइंड सेट ऑफ द पीपल अराउंड. नैरो माइंड सेट है. परमेश्वर में जो मेरे को फ्रीडम है वो नहीं मिलेगा. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. अपने आप से बहुत ऑनेस्टली ये सवाल भी कीजिए कि आपकी भावनाएं कहीं जो दुनिया हमें सिखाता आ रहा है उससे तो नहीं बन रही हैं. एंड आई से दिस एज अ वुमन. मैं खुद एक औरत हूँ. आई वुड लाइक टू से लड़की, बट औरत हूँ. एंड आवर वर्ल्ड हैज टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ओप्रेशन दैट इज नॉट रियली ट्रू. जहाँ पे काफी बारी हमारे फीलिंग्स वहां पे भी छिड़ जाते हैं जहां पे जरूरत नहीं है. तो आप
प्लीज इस चीज के बारे में सोचिएगा, आर यू बीइंग कंफॉर्म्ड टू द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, टू द पैटर्न ऑफ फेमिनिज्म दैट्स बीइंग टॉट बाय द वर्ल्ड, टू थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट योर ओन and your feelings and your rights and being oppressed as a woman, please do think about that. Ye is baat ke bare mein aap dhyan dijiyega. And the final question that we're going to take is oppressive partner matlab jo aise ek saathi jo ki kafi pareshan kar rahe hain, samajh nahi rahe hain, kya kuch kar sakte hain. I would say nikal jaiye is rishte se. Main nahi janti aapke rishte ke details pure, kya aapne sach mein कोशिश करी है बात करके मैटर्स को सेटल करना, क्या आपने सच में कोशिश करी है कि आप अपने साथी के बारे में भी सोचें और उनके पर्सपेक्टिव के बारे में सोचें. अगर आपने ये सब चीजें करी हैं और आपको लगता है कि फिर भी एक कंसिस्टेंटली एक ऑपरेशन, सब व्हाट्स द वर्ड फॉर ऑपरेशन, एक सताव आई थिंक इज द वर्ड, एक सताव आपको महसूस होता है आपके साथी की तरफ से, लाइक फ्रॉम द गाय और फ्रॉम द गर्ल, आई थिंक इट्स गुड टू गेट आउट बिफोर यू गेट मैरिड. शादी के बाद ठीक हो जाएंगे ये नहीं होता है. नो, या वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स द फाइनल स्लाइड आई थिंक. कैथरीन, कैन यू प्लीज टेक अस टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक वी आर ऑन द, या दैट्स द. ओके, सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग अबाउट कंपैटिबिलिटी. डेफिनेटली यू कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचने से आप विश्वासी के बारे में सोचना है. आजकल बहुत हमारा जवान लड़का लड़कियों दूसरा जो विश्वास है वो लोग दे आर गोइंग एंड गेटिंग गोइंग अहेड एंड गेटिंग मैरिड विद पार्टनर्स फ्रॉम अदर फेथ. डेफिनेटली दैट विल नॉट बी कंपैटिबल. सो जस्ट वांट टू इनकरेज यू एंड व्हेन यू आर ऑलरेडी लुकिंग ऑलरेडी काइंड ऑफ फाइंडिंग अ प्रोबेबल compatible partner, one thing that you need to remember is that you will never find a perfect partner. You will never find a perfect spouse. See, we are married for 12 years, 12 saal ho gaya, lekin abhi bhi hum log rishte, hamara rishte mein ek dusre ko prem karne mein, ek dusre ko maaf karne mein, hum abhi bhi struggle kar rahe hain. So, aap kabhi bhi perfect shaadi karne ke liye kisi ko perfect nahi milega. You will have to get married. And that's why we said love or marriage is a commitment. Ek commitment banke aap pati aur patni saath mein you will grow. You will grow as husband and wife. And that journey, wo jo journey hai, wo hoga jab tak till we see Jesus face to face. Prabhu Yesu Masih jab aayenge, hume pura perfect banayega. Till then, we will have to continue in the journey of growing in the Lord and growing in love. Loving God, loving your wife, loving your husband. Okay, so that's something. Okay. Okay, yeah, go ahead. Sorry. Okay, so now we're, this is the end. In another 3 minutes, we will be done. Ye slide mein basically hum ye keh rahe hain ki ho sakta hai ki aap ko lag raha hai ki lekin meri to, maine to already in cheezon mein aap log keh rahe hain, unme already मतलब लाइक यू नो आई एम ऑलरेडी मेस्ड अप, मैंने गलत चॉइसेस करे हैं तो मेरा क्या. मैंने पिछले हफ्ते डेविड के बारे में बात उठाई थी, परमेश्वर के दिल का दास कहा जाता था, कहा जाता नहीं था, कहा जाता है. और लेकिन उन्होंने वो गंभीर पाप में पड़ गए थे. नोबडी इज आउटसाइड द कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज. सब एवरीबडी मतलब सब के साथ ऐसा हो सकता है कि वो गिरे. बट नोबडी इज ऑल्सो आउटसाइड द कैपेसिटी ऑफ रेस्टोरेशन. परमेश्वर में यीशु मसीह में यीशु मसीह हमें वापस लाकर हमें हील, व्हाट्स द वर्ड फॉर हील, चंगाई, दैट्स राइट, चंगाई. सो हमें चंगा करते हैं. अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट, उसका बहुत ही सुंदर एक चिन्ह मतलब एक उदाहरण है, जहां पे यीशु मसीह के सामने पापिनी स्त्री को लेकर आया गया था और कहा था कि पत्थरवा के लिए लेकर आया गया था. एंड द लॉर्ड्स रिस्पॉन्स इज मार्वेलस इन दैट. परमेश्वर का जो रिस्पॉन्स है उसमें, वो बहुत ही सुंदर एक रिस्पॉन्स है कि वो उनको ये दो चीजें कहते हैं. एक ये कहते हैं कि मैं भी तुझे दोष नहीं ठहराता और मैं भी तुझे पत्थरवा नहीं करूंगा, मैं भी
तुझे दोषी नहीं ठहराऊंगा. दूसरी चीज लेकिन वो ये भी कहते हैं, जा और फिर पाप मत कर. द लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू रिटर्न एंड टू नॉट गो बैक टू दैट अगेन. द लॉर्ड ऑलवेज ऑलवेज इज विलिंग टू गिव अस अ क्लीन स्लेट टू स्टार्ट. परमेश्वर हमेशा विलिंग है कि वो हमें फिर से एक नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए मौका दे. सो दैट्स द एंड ऑफ दैट. आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पॉलीगेमी व्हिच वाज नॉट रियली डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस बट वेरी क्विकली आई डोंट नो इफ आई डोंट थिंक वी लाइक हूएवर हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन वी आर सो सॉरी दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू आंसर इट. वी विल प्रोबब्ली सेंड इट टू कैथरीन इन अ टेक्स्ट एंड देन दैट विल हेल्प यू. रिचर्ड यू हैड रेज्ड योर हैंड और कैथरीन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. वी आर प्रेइंग हमारी ये प्रार्थना है कि हम जवान लोग इकट्ठे परमेश्वर को आदर देने के लिए जिए. दैट्स या आई थिंक रिचर्ड हैज रेज्ड हिज हैंड. Richard, just a request, if it's a question, can you ask them separately because we wanted to end this by 6:15. So, Richard has said in the chat that it was by mistake, the raising of the hand. Okay, wonderful then. yeah. So, Jim and Joyce, thank you so much for that amazing session. You addressed all the questions with depth and clarity, and it was a joy to have you. And I think we just got to see a glimpse of you both through your interactions. So it was good. It was just natural. And so thanks for coming and doing this for us. Thank you. Before we close, just an announcement. Next coming Saturday, Brother Ranjit will be taking. Brother Ranjit ek session lene wale, that is uncertainty in job and education. Naukri aur shiksha mein anishchita, that's the topic. Kyunki abhi jo paristhiti se hum sab guzar rahe hain, usko dhyan mein rakhkar humne ye topic chuna hai. Naukri aur shiksha mein anishchita. Aur hamari ichha hai ki aap sab agle bar join kar sake. Aur hamare liye bhi prarthana jari rakhe. And I request Kshitija, right, to please close in prayer.